ही हमने की अगर कोई पूछता है तो बता देंगे इसको कौन, मैं प्रमुख रूप से वैज्ञानिक कर रहे हैं मचे। और सुनो ना, रेले आए हैं ना तो 4 साल पहले लेकर जाओ, 4 साल पहले आए 4 साल बाद, ये ट्रिक है बस, ऐसे हमने भी याद किया है। और सुन लो तानी, इन तत्वों के हम लोग नाम तो जाने गए, ये हीलियम, ये नियान, ये आर्गन, ये क्रोटॉन, जिनान, रेडान, कौन ऐसा तत्व है जो वायु में सबसे अधिक पाया जाता है? उसका नाम होगा आर्गन, उसका नाम होगा आर्गन। कौन ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक क्रियाशील है? उसका नाम होगा जिनान, बहुत क्रियाशील होता है, धड़ाक तो पकड़ेगा, कहेगा आओ मेरे साथ जुड़ जाओ, जुड़ाल लगा। और कौन ऐसा तत्व जो वायु में नहीं पाया जाता उसका नाम होगा रेडान, रेडान वायु में नहीं पाया जाता, कैंसर के रोग का जांच इसी से किया जाता है। खैर अभी हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये आपका रहा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निष्क्रिय जो तत्व है अक्रिय तत्व क्यों है, अक्रिय क्यों कहा जाता है, निष्क्रिय क्यों कहा जाता है, नोबल गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी से क्रिया नहीं करती है, क्योंकि इसका स्टक पूरा होता है, इसीलिए इसको हम लोग निष्क्रिय गैस कहते हैं। तो पहला टॉपिक यही बना लो कि इसे अक्रिय गैस या अक्रिय तत्व किसे कहते हैं, अक्रिय तत्व। ये ऐसे तत्व होते हैं, जो किसी से क्रिया नहीं करते हैं, किसी से क्रिया नहीं करते हैं, तो इसे अक्रिय गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, ठीक है। देख लो,